छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय उड़ीसा में चुनाव प्रचार को लेकर सीएम साय का एक बयान सामने आया है। बता दें कि सीएम साय ने अपने बयान में कहा कि उड़ीसा के चुनावी दौरे का पांचवा दिन था। अभी तक 6 लोकसभा क्षेत्र और 13 विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा वातावरण बीजेपी के पक्ष में है, वहां की जनता परिवर्तन चाह रही है और इस चुनाव में निश्चित तौर पर ही प्रदेश की सरकार बदल रही है। वही कांग्रेस के बीजेडी और बीजेपी को भाई बताने वाले बयान पर सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस की बातों का कोई अर्थ नहीं है। जैसे जनता के बीच वो अपना विश्वास खो चुकी है, वैसे ही वो अपना संतुलन भी खो चुकी है। वही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायबरेली में प्रचार पर सीएम साय ने तंज कसते हुए कहा कि हाँ, वो पहले भी चुनाव का प्रचार संभाल चुके हैं लेकिन कहीं सफलता नहीं मिली। उत्तर प्रदेश में मात्र 2 सीट जीती थी तो ऐसा ही कुछ खास तो नहीं है। पांचवा दिन था उड़ीसा चुनाव प्रचार का हमारे द्वारा और अभी तक 6 लोकसभा क्षेत्र और 13 विधानसभा क्षेत्र हम जा चुके हैं और बहुत अच्छा वातावरण है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और इस बार निश्चित रूप से वहां प्रदेश की सरकार बदल रही है, वहां की जनता परिवर्तन चाह रही है और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और लोकसभा में भी अधिकांश लोकसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी जीतेगी।